नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में रिलायंस के शेयर प्राइस में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और आपको किस तरीके का रणनीति बना के काम करना चाहिए ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओ। यहाँ पे मैं आपको रिलायंस का जो एनालिसिस करके बताऊंगा, वो एनालिसिस किस तरीके से बताऊंगा कि आपको फायदा हो सके। प्राइस एक्शन भी आप सीख जाओ, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी सीख जाओ और फिर आप प्रिडिक्शन बनाओ कि कहां पे हमें ट्रेड लेना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं आपको पहले प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा, फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस को एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा कि रिलायंस अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको आज लॉजिक सिखाऊंगा। जब ये लॉजिक आप सीख जाओगे तो आपको कौन सा भी YouTube चैनल देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा भी ट्रेनर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कौन से भी टिप्स प्रोवाइडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आपका एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से रिलायंस में किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको दोस्तों प्राइस एक्शन में आपको बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताया था कि जब भी मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जाता है और सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जाता है तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि रिलायंस में अप ट्रेंड बना हुआ था और जो मैंने बेसिक और फंडामेंटल नेचर बताया हुआ है उसको ही मार्केट फॉलो कर रहा था। तो ये होता है अप ट्रेंड और इससे इक्वली अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर लोज बनाता है और सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाता है। तो सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाया और लोअर लोज बनाया, मतलब यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में आ चुका था। अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और क्या और नीचे जाएगा, इसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। इसको एनालाइज करने का मैं तरीका आपको सिखाता हूँ दोस्तों। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो यहाँ से दोबारा मार्केट जब अप ट्रेंड स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, कुछ साइन मिलते हैं, वो इंडिकेशन को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड में हमें नीचे की साइड पर देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो किस तरीके का कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट बनाता है, ये कैंडल स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक बात और विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये वर्कआउट होता है कि नहीं होता है। जब आपको ये प्रूफ समझ में आएगा, मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि प्रूफ क्या है, कैसे वर्कआउट होता है, तब जाके आप उसके ऊपर भरोसा करोगे। तो यहाँ पे मार्केट में जो डाउन ट्रेंड बना हुआ था तो यहाँ पे ये जो कैंडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कैंडल स्ट्रक्चर को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का साइकोलॉजिकल मीनिंग आप समझ लीजिए दोस्तों। जब आप वो साइकोलॉजिकल मीनिंग समझोगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो गया, यहाँ पे जो बियर्स का पावर था, ये बियर्स का पावर, मंदी करने वालों का पावर थोड़ा कम हो गया और यहाँ पे ये सेकंड कैंडल में बुल्स का पावर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये साइकोलॉजी को समझो आप। जब ये साइकोलॉजी को समझोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो जब यह इस तरीके का बुलिश इनगल्फिंग सिग्नल आपको मिलता है तो ये ट्रेंड चेंज का साइन होता है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। और हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, टेक्निकल एनालिसिस में आपने एक वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। तो यहाँ पे जिस तरीके का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, सेम उसी तरीके का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम बनाया हुआ है। सेम स्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। पिछला वाला जो बेरिश कैंडल रहता है, ये बेरिश कैंडल को नेक्स्ट वाला बुलिश कैंडल अगर इनगल्फ करता है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बुलिश इनगल्फिंग मिलते हैं। तो ये बुलिश इनगल्फिंग के हिसाब से यहाँ पे हमें एक पहला साइन मिल गया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अभी नेक्स्ट हमको क्या देखना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बना के मोमेंटम करता है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये प्रीवियस वाले हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब मार्केट जाके ऊपर जाने वाला है। ये सिंपल थ्योरी है। अगर मार्केट को नया हाई बनाना है तो मार्केट को पुराने वाले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट जाके ऊपर जा सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है इसको समझ लीजिए। पहले क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बन चुका था। ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की अपसाइड की तरफ, लेकिन नाकामयाब हो गया और दूसरे दिन सीधा मार्केट गैप डाउन के साथ खुल के नीचे आ गया। तो अभी ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है। ये 20,070 का जो लेवल है, 20,070 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा और जोर से मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी ये मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, जिसका मैं अभी ऑप्शन चेन में जब आपको बताऊंगा तो उसमें भी आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगा। तो पहली बात यह है कि आपको तैयार रहना है, रिलायंस में बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन ये लेवल को मार्केट को विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक होना चाहिए। अभी इंक्रीज इन वॉल्यूम का क्या क्राइटेरिया रखेंगे आप, तो वॉल्यूम का जब भी आप कंफर्मेशन लेते हो तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन किस तरीके से लेना है आपको, तो सबसे पहले आपका जो वॉल्यूम का चार्ट रहता है उसमें आप मूविंग एवरेज ऐड करो 21 पीरियड का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 21 पीरियड का मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है। जब भी मार्केट ये इसके ऊपर ऊपर का वॉल्यूम दिखाएगा, जिस दिन भी दिखाएगा, आप समझ लेना वहां पे वॉल्यूम कंफर्मेशन हो चुका है। इतना सिंपल रखना है आपको। देखो दोस्तों, जब बातें आप सिंपल रखोगे तभी जाके आप लाइव मार्केट में उसको फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको लाइव मार्केट में फॉलो नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जितना सिंपल आप रखोगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, जितना आपका मुझे लाइक मिलेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा नया नया एजुकेशनल वीडियोस बनाने में। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है ये एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको क्या हो जाएंगे नए से नए एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो लेवल है ये लेवल को मार्केट जब ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसका कंफर्मेशन हमें ऑप्शन चेन में लेना है। तो ऑप्शन चेन अगर आपको सीखना है दोस्तों तो मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूँ, उसको पहले समझ लीजिए। ये जो कॉल की साइड होती है इसको हम लोग एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं, ये जो पुट की साइड होती है इसको हम लोग एज ए सपोर्ट ट्रीट करते हैं। तो कॉल की साइड में आपको देखना पड़ता है कि ऊपर की साइड में कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2100 का जो लेवल है, 2100 के लेवल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद आपको देखना है सपोर्ट की साइड पे कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो ये जो 2000 का लेवल बना हुआ है, ये 2000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। अभी मार्केट 2000 के ऊपर चल रहा है तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा या नहीं होगा, इसका आपको ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन लेना है। दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको किसी अदर यूट्यूब पे नहीं सीखने को मिलेगी, कि कैसे कंफर्मेशन लेंगे कि ब्रेकआउट फेल होगा कि नहीं होगा, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको देखना है कि जो कॉल राइटर्स थे वो कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं या नहीं हो चुके, और अगर वो ट्रैप हो चुके हैं तो वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात कैसे समझ में आएगी दोस्तों, आपको एक सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूं। आपको जब मार्केट अपसाइड जाने वाला है, मार्केट में जब अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, तो उस केस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो वीक होने लगता है। अभी रेजिस्टेंस वीक हो रहा है ये हमें कब समझ में आ सकता है, कि यहाँ पे जो कॉल राइटर है जो ट्रैप हो चुके हैं वो अगर मार्केट से निकल रहे है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि इनको कहीं ना कहीं आइडिया आ चुका है कि मार्केट अभी ऊपर की साइड पर जाने वाला है, तो इसलिए यहाँ से वो लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखते हो तो 2000 के ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके थे और वो निकल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले वीक में 2000 के ऊपर रहने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से कॉल राइटर निकल चुके हैं। कॉल राइटर जो रहते हैं दोस्तों वो मंजे हुए खिलाड़ी रहते हैं, बिग प्लेयर्स रहते हैं, उनका वो प्रोफेशनल एटीट्यूड रहता है,
तो हम लोगों से, रिटेल ट्रेडर लोगों से, प्रोफेशनल के पास का जो व्यू रहता है, उनका जो नजरिया रहता है, वो बहुत सटीक रहता है। तो जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना है, ये मत सोचिए, इससे उल्टा सोचिए कि बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। जब आपको ऑप्शन चेन में समझ में आएगा कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इसका एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, जहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कल के दिन क्लियर कट बताया हुआ था कि बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रखिए निफ्टी में, और जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा तो बाय कीजिए। यहाँ पे मैंने बाय का सिग्नल दे दिया था, और अगर आप देखोगे तो जहां पे मैंने बाय का सिग्नल दे दिया था, वहां से किस तरीके का वन साइडेड मोमेंटम हो गया। तो ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, ये मैंने सिंपली ऑप्शन चेन को देख के प्रिडिक्ट किया, और उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने यहाँ पे बता दिया था कि ऑप्शन चेन में मैंने क्या देखा है। तो अगर आपको ऐसे फ्री वाले सिग्नल चाहिए, तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी तरीके का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, तो ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि डेटा जो है, वो डेटा आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो उसका इंडिकेशन हमें मिल रहा है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो उस हिसाब का रणनीति बना के आपको मार्केट में तैयार रहना है। जो मैंने बात आपको बताई हुई है, उसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए, तो ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।